नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन झा, CMCIT प्रोग्राम में आप सबको स्वागत है। मैं फिर एक बार एक विंडोज का जबरदस्त टॉपिक लेके मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। वो टॉपिक आपको विंडोज रिलेटेड है और वो टॉपिक है आपको शॉर्टकट आइकन्स। तो देखिए, आप जब भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो बहुत तरह का काम होता है, बहुत सारे काम कर सकते हैं। कोई ऑफिस में काम कर सकते हैं, कोई बैंक में काम कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी में ऑफिस में काम करते हैं, मतलब अजीब तरह तरह का काम कर रहे हैं। तो देखिए, जितने सारे प्रोग्राम्स है कंप्यूटर को, सारे प्रोग्राम्स खोलने के लिए आपको चार मेथड्स हैं। स्टार्ट से भी खोल सकते हैं, रन से भी खोल सकते हैं, सर्च करके भी खोल सकते हैं और शॉर्टकट आइकन से भी खोल सकते हैं। तो देखिए, आज मैं टॉपिक लिया हूं कि किसी भी प्रोग्राम को शॉर्टकट क्यों बनाया जाए और कैसे बनाया जाए, शॉर्टकट क्यों यूज होता है। तो देखिए, बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम आप ओपन करते हैं। तो देखिए, ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट में जाएंगे तो ये लंबा प्रोसेस हो गया, कुछ टाइम लगेगा, चूज करना पड़ेगा, उसके बाद खोल सकते हैं, है ना। मान लीजिए एक्सेल खोलना हो, वर्ड खोलना हो तो टाइम लगेगा। मान लीजिए कि रन में सर्च करके टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्टकट क्या चीज है, आपको बहुत क्विक में, शॉर्ट टाइम में, टाइम कंज्यूम में आप खोल सकते हैं। तो देखिए, आप मान लीजिए कि किसी भी रास्ता कहीं आपको जाना हो तो देखिए, शॉर्ट टाइम में भी जा सकते हो और लॉन्ग वे भी जा सकते हो। तो लॉन्ग वे में जाने से आपको टाइम ज्यादा लगेगा, शॉर्ट वे में आपको टाइम कम लगेगा, कंज्यूम होगा। तो इसे एक प्रोग्राम में भी होता है कि किसी भी प्रोग्राम को आपको क्या होता है बने, तो जब भी काम करेंगे तो आपको शॉर्ट टाइम में काम कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपको शॉर्टकट क्या है, ये शॉर्टकट मेनू है। इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हमें क्या बनाना है, शॉर्टकट। तो न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक फिर मेनू आएगा, उसे सब मेनू कहते हैं, न्यू का सब मेनू। इसमें देखिए, शॉर्टकट एक आपको ऑप्शन दिया गया है, शॉर्टकट में जब क्लिक करेंगे तो आपको सब क्रिएट शॉर्टकट एक बॉक्स आएगा, इसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ब्राउज दिया हुआ है, ब्राउज में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे, सारे प्रोग्राम्स आपको क्या है इसमें दिया हुआ है। तो माय कंप्यूटर में अगले बोल दिया था, अगले वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको जो माय कंप्यूटर जो है, इसे मेन आइकन कहा जाता है, इसे मेन आइकन कहते हैं, क्योंकि जितने सारे प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर का, सब मेन आइकन में स्टोर होते हैं। तो देखिए, मैं इसमें क्लिक करता हूं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले डिसीजन करना है कि मैं किस फाइल को शॉर्टकट बनाऊं, हमें किस फाइल का शॉर्टकट बनाना है जो हमें चाहिए। तो मान लीजिए वर्ड या एक्सेल कोई एप्लीकेशन के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ब्राउज करने के बाद में, माय कंप्यूटर में क्लिक करने के बाद में जितने सारे प्रोग्राम रहते हैं आपको अपलोड हुआ कंप्यूटर में, वीडियोस के सी फाइल्स में डायरेक्टरी में रहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ बहुत सारे फोल्डर्स हैं, जो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में ऑलरेडी दिखा चुका था, ये फोल्डर बहुत सारे फाइल को कलेक्शन करते हैं। तो चलिए, मैं इसको एक बार खोलने जा रहा हूँ, प्रोग्राम्स फाइल्स 86 है। इसमें क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर यहाँ दिखा रहा है, इसमें जाकर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाइए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे फाइल्स रहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस 11 में जाएंगे तो देखिए, इसमें आपको क्या है, तो बहुत सारे आपको फाइल मिलेंगे, एक्सेस का फाइल है, एक्सेल का फाइल है, वर्ड का फाइल है। इसमें से मान लीजिए एक्सेल को किसी भी फाइल को आपको शॉर्टकट बनाना हो तो उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करें, ओके में क्लिक करें। ओके में क्लिक करने के बाद में देखिए, यहाँ पर लोकेशन आ गया है, इसी कॉलम स्लैश प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस 11 में excel.exe फाइल का शॉर्टकट बन चुका। तो आप नेक्स्ट जब भी करेंगे और फिनिश करेंगे तो ये आपको एक्सेल को शॉर्टकट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए, अब इसका फायदा क्या है, अब मान लीजिए यहाँ से एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट में मुझे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्या होगा, टाइम लगेगा। एक ही बार क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे और ओपन कर देंगे। देखिए, एक्सेल आपको लोड हो गया है, टाइम ले रहा है, हो रहा है, ये एक्सेल हो गया है। तो देखिए, शॉर्टकट से यही बेनिफिट्स होता है, हम शॉर्ट टाइम में, हम आइकन में क्लिक करके इसको मैं खोल सकता हूँ, किसी भी एप्लीकेशन को खोल सकता हूँ। इससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं जो ऑफिस में ज़्यादा यूज करते हैं, सिर्फ क्लिक करके काम कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का जो शॉर्टकट, हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट, जो टॉपिक था वो टॉपिक आज फिनिश हुआ। और इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।